बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास। बीका अपने काका कांगल की सहायता से 1465 ईस्वी में बीकानेर क्षेत्र में नए राठौर राज्य की स्थापना की। 1488 ईस्वी में बीकानेर नगर की स्थापना अक्षय तृतीया यानी कि अखातीज वैशाख शुक्ल तृतीया को हुई। अखातीज पर बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। बीकानेर की स्थापना करणी माता के आशीर्वाद से की गई थी, इसलिए करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। लूणकरण की बात करें, इसने जैसलमेर के राजा जेतसी को हराया था। बीटू सूजा ने लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है। जेतसी 1534 ईस्वी में हुमायूं के भाई कामरान को रतिघाटी के युद्ध में हराया। इस युद्ध की जानकारी बीटू सूजा की पुस्तक राव जेतसी रोछंद से मिलती है। राय सिंह राजतिलक के समय अकबर ने इसे 4000 का मनसबदार बनाया है, जिसे कालांतर में बढ़ाकर 5000 कर दिया गया। 1577 ईस्वी में अकबर ने इसे 51 परगने दिए थे। खुसरो के विद्रोह के समय जहांगीर ने इसे राजधानी आगरा की जिम्मेदारी सौंप दी। बीकानेर में जूनागढ़ किले 1590 से 94 ईस्वी का निर्माण करवाया। जूनागढ़ का निर्माण करमचंद की देखरेख में हुआ। जूनागढ़ में राय सिंह प्रशस्ति लगी है, जिसका लेखन जयति जैन ने किया। राय सिंह की पुस्तकें राय सिंह महोत्सव और ज्योतिषी रत्नमाला दरबारी विद्वान जयसो में मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा है। पृथ्वीराज राठौड़ की बात करें, राय सिंह का छोटा भाई तथा अकबर का दरबारी लेखक था। अकबर ने इसे गागरौन का किला दिया था। पुस्तक की बात करें तो वेली किशन रुक्मणी उत्तरी राजस्थान में लिखी गई है। दुर्सा आड़ा ने इसे 5वां वेद तथा 19वां पुराण कहा। जेम्सटोन ने इस पुस्तक में 10000 घोड़ों का बल बताया। एलपी टोस्टोरी ने पृथ्वीराज राठौर को डिंगल का हेरोस कहा है। कर्ण सिंह की बात करें तो इसकी उपाधि की बात करें जंगलधर बादशाह। पुस्तक की बात करें तो साहित्य कल्पद्रुम। विद्वान की बात करें तो गंगाधर मैथिल की पुस्तक कृष्णभूषण एवं काव्य डाकिनी है। अनूप सिंह की उपाधि की बात करें तो माही भारती। इसकी दक्षिण भारत की जीत से खुश होकर औरंगजेब ने उपाधि दी। इसने बीकानेर में अनु पुस्तकालय बनवाया। कुंभक के संगीत ग्रंथों का संकलन करवाया। विभिन्न संस्कृत पुस्तकों का राजस्थान में अनुवाद करवाया, जैसे गीता का अनुवाद आनंद राम ने किया था। पुस्तक की बात करें तो अनुपवेक काम प्रभो श्रद्धा प्रयोग चिंतामणि गीत गोविंद पर अनुपौधोई टीका लिखी। बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनाया। दरबार विद्वान की बात करें तो भावभट्ट संगीत अनूप अंकुश अनूप संगीत संरचनाकार और अनूप संगीत विलास। सूरज सिंह की बात करें तो 1805 ईस्वी में बटनेर को जीत कर हनुमानगढ़ नाम कर दिया है। 1814 ईस्वी में चूरू पर आक्रमण किया। उस समय चूरू के किले से चांदी के कोले लगाए गए थे। उस समय गुरु का सामंत शिवजी सा था। 1818 ईस्वी में सूरज सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। रत्ना सिंह की बात करें तो 1836 ईस्वी में गया में अपने सामंतों को कन्यावध नहीं करने की कसम दी। दरबारी विद्वान की बात करें तो दयालदास बीकानेर रा राठौरी ख्यात। यह ग्रंथ दो भागों में है। एक भाग में जोधपुर के राठौड़ों का इतिहास तथा दूसरा भाग में बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास है, जिसे जो बीका से लेकर आज सरदार सिंह तक है। यह राजस्थान का अंतिम ख्यात है। गंगा सिंह की बात करें तो 1899 ईस्वी में चीन के बक्सर युद्ध विद्रोह को दबाया, इसलिए अंग्रेजों ने एक केसर हिंदी की उपाधि गंगा सिंह को दी। 1913 ईस्वी में प्रजाप्रतिनिधि सभा की स्थापना गंगा सिंह ने की। 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मदन मोहन मालवीय को सर्वाधिक आर्थिक सहायता किसने दी? गंगा सिंह ने दी, इसलिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की आजीवन कुलपति गंगा सिंह रहे। 1918 ईस्वी के पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के एकमात्र राजा गंगा सिंह थे। 1921 में बने चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल के पहले अध्यक्ष गंगा सिंह थे। 1927 में गंगा नहर की स्थापना गंगा सिंह ने की, इसलिए गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के एकमात्र राजा थे। इसकी ऊंट की सेना गंगा रिसाला कहलाती। गंगा सिंह ने रामदेवरा देशनो व गोगामाड़ी के मंदिरों को निर्वर्तमान स्वरूप दिया था। उसने सिक्कों पर विक्टोरिया इंप्रेस लिखवाया। सौरभ सिंह ने अपने सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखवाया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको सेशन? आप चाहे तो अपने नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपको हर एक एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा। आप जैसे एग्जाम स्टार्ट हो तो एक बार इसको 10 मिनट के लिए आप डबल स्पीड में इस वीडियो को देखें, जिससे कि आप इसको बार बार कंटिन्यू इसको सुनते रहें, जिससे कि आपको हाथों हाथ जितना हाथों हाथ सुनोगे उतना ही याद रहेगा, जितनी बार सुनोगे उतनी बार याद रहेगा। इसे बेस्ट नोट्स इससे मेरे को लगता है कि बीकानेर के चौहानों से अगर कोई सा भी क्वेश्चन आए तो मुझे लगता है कि इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको सेशन, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएँ। थैंक यू सो मच।